हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज बच्चे एस एम ई बोलते हैं हम लोग या फिर स्टैट्स वन बोल दो या जो भी बोलो स्टैट्स की फर्स्ट पेपर जो कि दो सेमेस्टर में डिवाइडेड है उस फर्स्ट पेपर का हमारा आज फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास है चैप्टर वन में फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था वॉट इज एवरेजेज़ एवरेज में मीन मीडियन मोड होते हैं इसकी जानकारी ले ली थी और मीन हमने स्टार्ट भी कर दिया था मीन में टोटल सेवन मेथड्स थे जिसमें से दो थे इंडिविजुअल के दो थे डिस्क्रीट के और तीन थे कॉन्टिन्यूस uh, के ये हमने टोटल सेवन मेथड्स कर लिए थे इसके बाद से दो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी की थी तीसरा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आज रेथेमेटिक मीन का करने वाले हैं कंबाइंड मीन तो ध्यान देना है आपको इस पर कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी थ्री इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है करेक्शन uh, का भी प्रूफ नहीं होगा लेकिन जो इफेक्टिव चेंज ऑफ स्केल एंड ऑरिजिन है उसका प्रूफ आता है पेपर में ध्यान दो मान लो कि हमारे पास दो ग्रुप है दिस वन इज फर्स्ट ग्रुप दिस वन इज सेकेंड ग्रुप इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन वन हेयर एन टू और यहाँ का एक्स वन बार यहाँ पर है एक्स टू बार दो अलग अलग ग्रुप है दोनों के एवरेजेज हैं एक्स वन बार एक्स टू बार दोनों का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एन वन एन टू दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो जो नया ग्रुप बना है इसका नंबर हो जाएगा एन वन प्लस एन टू ये तो क्लियर है मान लो पहले ग्रुप में अगर दस ऑब्जर्वेशन है दूसरे में पाँच है दोनों को अगर एक साथ एक ही ग्रुप में कर दोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल फिफ्टीन तो एन तो क्लियर है कि एन वन प्लस एन टू होगा लेकिन एवरेज क्या होगा कंबाइंड मीन तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वन टू बार से एक्स वन टू बार अपने आप में एक, एक साइन होगा कि ये वन और टू यानी फर्स्ट और सेकेंड से आया यानी दो सीरीज का कंबाइंड मीन है ये ध्यान से सुनना मेरी बात आपको तो पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन तो समेशन एक्स क्या होता है एन इंटू एक्स बार एन इंटू एक्स बार तो यहां का टोटल सम हो जाएगा समेशन एक्स वन इज इक्वल टू एन वन इंटू एक्स वन बार और यहां का टोटल सम हो जाएगा बच्चे एन टू इसको लिखेंगे एक्स टू से एक्स टू इसके ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करें तो हैं एक्स टू इज इक्वल टू एन टू इंटू एक्स टू बार और दोनों का जब सम करेंगे तो यहाँ का टोटल एक्स आएगा एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं तो जब आपके पास टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी है तो आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हो एक्स वन टू बार इज इक्वल टू तो एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन में एन वन प्लस एन टू ये कंबाइंड मीन वाला टॉपिक अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे आपको नहीं मिलने वाला मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था आज फिर से एक बार आपको बता दें कि रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वो वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो हम लोगों को पता है कि आपका स्टैट्स वन स्टैट्स टोर इक्नोमेट्रिक्स तक यूज होगा तो ये जो डिवोर की बुक है इसके पहले भी एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाया जाता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करके पांच से सात क्लास लगेंगी फर्स्ट चैप्टर में लेकिन वो काम आपके लिए भी इजी हो जाएगा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा आगे के चैप्टर्स में डील करने के लिए तो यहीं पे बेस बना लेंगे तो अच्छी बात है आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इसलिए हम लोग पढ़ा देते हैं कंबाइंड मीन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अब देखो कंबाइंड मीन में क्वेश्चन जो सीधा सीधा स्ट्रेट वे क्वेश्चन आता है वो तो आप कर लोगे कोई एक चीज़ अननोन होगा बाकी की चीज़ें गिवन होंगी आप फॉर्मूला में डालोगे पुट करके निकाल लोगे बस एक ही क्वेश्चन इसका थोड़ा सा अलग आता है वो क्या है वो ध्यान दो परसेंटेज निकालने वाला थोड़ा हल्का सा एक छोटा सा ट्रिक है तो क्लास में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है मान लो इन अ फैक्ट्री एवरेज सैलरी पेड टू मेल वर्कर्स Average salary paid to male workers. Average salary paid to male workers is fifteen hundred, and average salary paid to female workers. ड्रेड इफ तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ना पूरे वर्कर्स को मेल और फीमेल की कैटेगरी में तब का अलग अलग एवरेज निकाल लिया हम लोगों ने अब एक एवरेज निकाल रहे पुटिंग ऑल दी वर्कर्स टुगेदर। तो इफ एवरेज सैलरी ऑफ इफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑल दर्कर्स इज मान लो एटीन हंड्रेड देन फाइंड दी अच्छा बारह सौ और पंद्रह सौ तो अट्ठारह सौ नहीं हो सकता एवरेज कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं और मिनिमम से कम नहीं होता तो बीच में कहीं पे ये रखना पड़ेगा क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं ना मान लो फोटीन हंड्रेड फिफ्टी कम में रुपीज़ रुपीज़ लगा लेना Find दी परसेंटेज ऑफ find the परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स मेल एंड फीमेल वर्कर्स तो ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर हमें पता ही नहीं है फॉर्मुला में अगर देखोगे तो ना एन वन पता है ना एन टू पता है दो दो चीज़ें अननोन हो गए अब दो दो चीज़ें अननोन हो गई तो थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त तो प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको अभी हम लोग देखेंगे तो एक मेल बना लेंगे कैटेगरी एक बना लेंगे फीमेल मेल में डाल देंगे एन वन इसका नंबर ले लेंगे एन टू इसका एक्स वन बार कितना है मेल का फिफ्टीन हंड्रेड और फीमेल की कितनी है ट्वेल्व हंड्रेड है एवरेज सैलरी और दोनों का कंबाइन कर देंगे तो एक्स वन टू बार इज़ फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज सैलरी का फॉर्मूला लगा देंगे एक्स वन टू बार इज़ इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन में एन वन प्लस एन टू इधर करेंगे एक्स वन टू बार क्या हो जाएगा देखना चाहे एक्स वन टू बार आ जाएगा फोटीन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू एन वन एक्स वन बार एन वन इज हाउ मच नहीं पता एक्स वन बार इज़ फिफ्टीन हंड्रेड प्लस एन टू एक्स टू बार इज हाउ मच ट्वेल्व हंड्रेड नीचे क्या आ जाएगा एन वन प्लस एन टू बच्चे देखना एन वन एन टू दोनों अननोन है तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी एन वन प्लस फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी एन टू इज़ इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड एन वन प्लस ट्वेल्व हंड्रेड एन टू इससे क्या होगा ना एक एन टू और एन वन में रिलेशनशिप आ जाएगा फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी एन वन तो एन वन उधर बड़ा है तो उधर जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड में से जाएगा तो बचेगा फिफ्टी एन वन एन टू कितना आ जाएगा फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी में से ट्वेल्व हंड्रेड जाएगा तो टू फिफ्टी एन टू तो देखना ज़रा एन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू फिफ्टी एन टू बाई फिफ्टी फिफ्टी से जाएगा फाइव दैट मीन्स कि एन वन इज़ इक्वल टू फाइव एन टू ये एक रिलेशनशिप आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ हो जाएगा परसेंटेज निकालने में इसका यूज़ हो जाएगा परसेंटेज निकालने में तो परसेंटेज ऑफ मेल मेल के लिए हमने क्या लिया है नंबर एन वन लिया है या एन टू लिया है एन वन लिया है ना मेल के लिए क्या लिया है एन वन लिया है तो परसेंटेज ऑफ मेल जब निकालेंगे ये हो जाएगा एन वन बाई एन वन प्लस एन टू इंटू हंड्रेड एन वन कितना आ गया फाइव एन टू नीचे में एन वन की जगह पे क्या आ गया फाइव एन टू प्लस एन टू इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा फाइव एन टू बाई सिक्स एन टू इंटू हंड्रेड एन टू एन टू कैंसिल अब फाइव हंड्रेड बाई सिक्स कर दो देखो तो क्या आता है फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स कैलकुलेटर हर क्लास में होने होना चाहिए एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट यानी उस फैक्ट्री में मेल जो है वो एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है तो परसेंटेज ऑफ़ फीमेल कैसे निकलेगा अब बस दो ही कैटेगरी है ना तो हंड्रेड में से माइनस कर दो हंड्रेड माइनस एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री लगभग समझ में आगे बात तो कंबाइंड मीन में बस एक ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ट्रिकी इन द सेंस। यहाँ पर आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है कि दो चीजें नून है एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा तो पहले आपको रिलेशनशिप मिलेगा और फिर जब आप परसेंटेज वाले फॉर्मुला में डालोगे तो वो कैंसिल हो जाना है समझ में आगे बात प्रॉपर्टी थर्ड ठीक है बाकी और कोई क्वेश्चन आएगा उसमें सारी चीजें दे रखी होंगी कोई एक वैल्यू गायब कर देगा लाइक एक्स टू बार फाइंड आउट करने को आएगा या एक्स वन बार फाइंड आउट करने को आएगा कुछ इस तरीके से तो वो इजी होता है प्रॉपर्टी फोर करेक्शन ऑफ मीन आजकल तो यही सब चलता ही है सर्वे होता है हर प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट की कंपनीज एनजीओज वगैरह सब बहुत ज्यादा सर्वे करते हैं आजकल हर डिसीजन सर्वे और रिपोर्ट के बाद ही लिया जाता है तो जब डेटा एनालिसिस इसीलिए एक डेटा एनालिसिस पेपर भी आ चुका होगा आप लोगों के कोर्स में डेटा एनालिस्टिक पोस्ट भी आ गया जॉब का काफ़ी कुछ इस पर काम होता है तो मान लो कि आपके पास डेटा आया आपने उसका मीन निकाल दिया मीन निकालने के बाद पता चला कि अरे दो डेटा गलत था तो क्या हम उसका फिर से समेशन निकालेंगे सबका टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा तो इसलिए आपको अगर पता चल गया कि कौन सी दो वैल्यूज़ गलत है छोटा सा एक करेक्शन कर लेंगे हम लोग जो भी टोटल सम आया हुआ है ना उसमें से उसको निकाल देंगे उसकी जगह पे जो भी करेक्ट डेटा होगा उसका ऐड कर देंगे अभी नहीं समझ में आ रहा होगा देखो जरा एक क्वेश्चन के थ्रू देखो एवरेज um, ऑफ या ऐसे देख लो मीन इज इक्वल टू ट्वेंटी एन इज इक्वल टू टेन लेटर ऑन रॉन्ग डेटा पता लगा रॉन्ग डेटा इज फिफ्टीन एंड फोर्टीन वाइल करेक्ट वैल्यूज़ आर वाइल करेक्ट वैल्यूज़ आर ट्वेल्व एंड सेवेंटीन ट्वेल्व और नहीं, ट्वेल्व और सिक्सटीन फाइंड दी फाइंड करेक्ट मीन ध्यान से सुनो मीन क्या है ट्वेंटी एन है टेन तो ओल्ड समेशन एक्स जब आप निकालोगे ओल्ड समेशन एक्स तो ये हो जाएगा ओल्ड मीन इंटू एन यानी ट्वेंटी इंटू टेन कितना हो गया बताओ टू हंड्रेड टू हंड्रेड ओल्ड समेशन एक्स आ गया सॉरी ओल्ड हाँ ठीक ओल्ड समेन एक्स आ गया अब इसी ओल्ड समेशन एक्स में तो कभी ना कभी फिफ्टीन और फोर्टीन भी ऐड हुआ होगा फिफ्टीन और फोर्टीन भी ऐड हुआ होगा अब उसको बाहर निकाल देना है क्योंकि उसको रिप्लेस करना है किससे रिप्लेस करना है ट्वेल्व और सिक्सटीन से तो न्यू समेशन एक्स जब निकालेंगे तो ओल्ड समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यूज या रॉन्ग डेटा और प्लस करेक्ट वैल्यूज ओल्ड समीशन एक्स कितना है टू हंड्रेड माइनस रॉन्ग वैल्यू कौन कौन सी है फिफ्टीन प्लस फोर्टीन और करेक्ट वैल्यू कौन सी है ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन यस लगता है किसी का कोई नाइन फोर्ट नाइन फाइव न्यू मीन अच्छा निकाल भी लिया है ठीक है तो जरा देखना इसको माइनस करेंगे तो माइनस नाइनटीन जाएगा और प्लस एटीन जाएगा यानी एक कम हो रहा है तो वन नाइन नाइन तो न्यू मीन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज हुआ है नहीं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज हुआ है नहीं तो उसी एन से डिवाइड कर देंगे अब आप कहोगे मैम आप ये बोल क्या रहे हो दो बार क्यों बोले हो इस बात को ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे वन नाइन नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन फाइव तो यहाँ पर तो बच्चे रिप्लेसमेंट का केस था इसलिए एंड में चेंज नहीं हुआ कभी कभी डेटा ना रिपीट कर जाता है रिपीट कर जाता है तो जितना टाइम रिपीटेशन है उसको निकाल देते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाता है मान लो अगर यहाँ पता चलता है कि एक डेटा गलती से तीन बार लिखा गया है तो हम दो बार उसको माइनस करते एक बार तो रहना चाहिए दो बार माइनस करते तो नंबर भी हमारा ट्वेंटी से घट के एटीन हो जाता इसको कहते हैं डिलीशन डिलीट करना होता है रिमूव करना होता है रिमूवल ऑफ एन आइटम तो उससे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा कभी कोई डेटा को ऐड करना होता है तो ऐड करते वक्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज भी हो सकता है तो ये आपको ध्यान देना होगा कि वेदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज चेंजिंग और नॉट अगर चेंज हो रहा है तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा समझ में आई बात ये आ गया समझ में टेन से डिवाइड होगा अच्छा हाँ एन तो टेन है ना मैंने ट्वेंटी देख लिया एक मिनट बच्चे इसको सही कर लो ये देखो एन तो टेन है ना टेन से डिवाइड करेंगे तो नाइनटीन पॉइंट नाइन आ गया न्यू मिन ठीक है अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ तो हमने कर लिया प्रॉपर्टी नंबर फाइव इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन मीन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ऑन मीन क्या फर्क पड़ेगा देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं पूरे स्टार्ट में अब यूज होगा आगे चल करके इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन इसका क्या मतलब होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन इसका मतलब होता है एक कॉमन वैल्यू सारे डेटा में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना एक कॉमन वैल्यू सारे डेटा में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना डेट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन मान लो सबकी सैलरी थी इस बार इंक्रीमेंट लग गया सब में दो दो हज़ार का इंक्रीमेंट लग गया तो अब ये नहीं कि सब का न्यू सैलरी लिखेंगे फिर न्यू समेशन एक्स निकालेंगे फिर न्यू मीन निकालेंगे नहीं अगर सब में कॉमन चीज ऐड हुई है सेम चीज ऐड हुई है छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे मीन में और नया मीन आ जाएगा पुराना मीन अगर पता है तो यहां देखो अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो चेंज ऑफ स्केल यस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन में देखो इफ वी आप लोग मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाते हो ना तो साथ साथ लिखते भी रहो If we add or subtract any constant to the data, data method of Sare observation, then it is called then change of origin, then change of origin x. एक एग्ज़ाम्पल देख लो एक्स में था वन टू थ्री फोर फाइव इसका ओल्ड मीन आपको पता है फिफ्टीन बाई फाइव यानी कि थ्री आ जाएगा मान लो कि मैंने ऑब्जर्वेशन को बदल दिया वाई इजल टू कर दिया x प्लस सेवन ध्यान से सुनना मेरी बात वन प्लस सेवन हो जाएगा टू प्लस सेवन हो जाएगा थ्री प्लस सेवन हो जाएगा फोर प्लस सेवन हो जाएगा फाइव प्लस सेवन हो जाएगा जब ऐड करोगे तो इन सब का सम आ जाएगा फिफ्टीन और इसका सम आ जाएगा सेवन इंटू फाइव समझ में आ रही है बात ऐसा क्यों कि कर रहे हैं तो आ जाएगा फिफ्टीन प्लस सेवन इंटू फाइव तो न्यू मीन जब आप निकालोगे वो आ जाएगा फिफ्टीन प्लस सेवन इंटू फाइव बाई फाइव यह आ जाएगा थ्री प्लस सेवन यानी कि टेन तो आपने ध्यान दिया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन है वाई मीन भी क्या हो गया एक्स मीन प्लस सेवन यानी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जो पुराना मीन है उसमें भी उतना ही ऐड कर दो जितना आपने हर डेटा में ऐड किया है अगर सेम चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उतना ही आपको मीन में भी सब्ट्रैक्ट कर दो नया वाला मीन आ जाएगा ये तो हमने वेरीफाई किया लेकिन प्रूफ कैसे करना है तो ध्यान से देखें दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एच ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है वो तो एच की वैल्यू पर डिपेंड करेगा अब हमें एवरेज तक पहुंचना है तो समेशन वाई इज इक्वल टू समेसन एक्स प्लस एच तो समेशन वाई इजक्वल टू समेसन तो टूट जाता है ना समेशन एक्स प्लस समेन एच तो दिस इज समेशन वाई इज इक्वल टू समेन एक्स और प्लस एच के साथ क्या लग जाएगा एच के साथ क्या लगेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगेगा ये मैंने आपको स्टैट्स में रूल बताया था कि अगर सी एक्स है तो सी बाहर आएगा और समेशन एक्स बचेगा और अगर समेन सी है तो सी के साथ क्या हो जाएगा एन अब यहां देखो जब हम समेशन वाई बाई एन करेंगे तो यह आ जाएगा समेन एक्स बाई एन प्लस एच इन टू एन बाई एन 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 कैंसिल तो दिस इज वाई मीन इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस एच वाई मीन इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस एच तो यस चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स द मीन उसका इफेक्ट नजर आता है और सेम इफेक्ट नजर आएगा जैसा आपने डेटा में किया है वैसा ही एवरेज में भी इफेक्ट नजर आएगा समझ में आई बात ऐसा ही कुछ हम लोग स्टैंडर्ड डिविशन में भी करेंगे जब टॉपिक टू चैप्टर वन में टॉपिक टू स्टार्ट करेंगे ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन उसमें भी स्टैंडर्ड डिशन के लिए ऐसे ही प्रॉपर्टीज करेंगे ध्यान दो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सारा काम चैप्टर थ्री चैप्टर फोर में चलता चलेगा हमारे जो स्टैट्स में है बेसिक तो यहां पर सीख लोगे तो अच्छा रहेगा अब डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाई एनी कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ऑल एक्स विथ अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ स्केल में y इज इक्वल टू कुछ के इंटू एक्स कर देते हैं फिर उसी तरीके से मीन तक पहुंचना है तो समेशन y इज इक्वल टू समेशन k के इंटू एक्स समेशन y इज इक्वल टू k बाहर आ गया समेशन x के बाहर आ गया समेशन x फिर आप एन से डिवाइड करोगे तो समीशन वाई बाई एन इक्वल टू के समीशन एक्स बाई एन तो दिस इज वाई मीन इज इक्वल टू के इंटू एक्स मीन तो देखो ना जैसा आपने के को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ वैसा ही के इंटू एक्स मीन भी आ गया वाई मीन की जगह पे तो सेम इफेक्ट नजर आ रहा है किस में सेम इफेक्ट नजर आ रहा है किसमें बताओ एक्स मीन और वाई मीन में भी जैसा आपने एक्स और वाई में किया था ठीक है तो अब सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई किसकी मीन की मीन की प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट जो था सम ऑफ ऑल समेविशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो सेकंड प्रॉपर्टी थी फर्स्ट सेकंड और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आता है सेकंड प्रॉपर्टी थी प्रूव डैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज मिनिमम और थर्ड uh, वाला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन ऑन द मीन तो अब एवरेज कंप्लीट हो गया आपका एवरेज में भी अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो गया अब हम लोग सेकेंड पे चलेंगे कौन सा है टॉपिक मीडियन लेकिन सिर्फ मीडियन ही नहीं और भी मीडियन के जैसे ही और भी पोजीशन वैल्यूज होते हैं लाइक like आपने सुना होगा क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स परसेंटाइल्स आपने सुना होगा कि कोई एमबीए वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो अरे नाइनटी फिफ्थ परसेंटाइल वाले को भी एडमिशन नहीं मिला इस कॉलेज में इवन आप ही लोगों में से पूछते होंगे कि आपका परसेंटाइल क्या रहा ट्वेल्थ क्लास में तो आप बोलते होंगे नाइन्टी फिफ्टी फाइव सॉरी आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा इस कॉलेज में नाइन्टी एट मिनिमम कट ऑफ गया है तो ऐसे ऐसे इन सब परसेंटाइल्स का क्या मतलब होता है परसेंटाइल का मतलब होता है उस पोजिशन पर जो वैल्यू है उस पोजिशन पर जो वैल्यू है तो पहले मीडियन देखेंगे जब मीडियन देख लेंगे ना तब फिर सारा कुछ का पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स सब हम लोग कर सकते हैं पहले मीडियम देख लें मीडियन क्या होती है तो मीडियन इज पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू मीडियन इज पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू यानी ये देखो ये है और मिडिल वैल्यू है मीडियन बिल्कुल बीच में जो है यहाँ पर मान लो अगर सेवेंटी टू है तो सेवेंटी टू हो गया मीडियन आपने डेटा को अरेंज किया हुआ है 72 टू ही इस पोजिशन पर आ रहा है सेवेंटी टू के पहले जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही बाद में है सेवेंटी टू इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन अब आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा दो केसेस इंडिविजुअल पहले करते हैं हम लोग तो हेडिंग देना इंडिविजल इंडिविजुअल में भी दो केस बढ़ जाते हैं वैन एन इज़ ऑड वेन एन इज ऑड तो ध्यान से देखना मान लो एन में अगर आपके पास है टू थ्री ट्वेल्व सेवन सिक्स एट और एक और ले लो कोई भी टेन ले लो तो so, आप इनको ना पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे आप इनको पहले किस में अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग so, ऑर्डर में आ जाएगा बच्चे टू थ्री सिक्स सेवन एट टेन और ट्वेल्व फिर आप कटिंग करना शुरू करोगे फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट बच्चे का बीच में सेवन सो मीडियन इज इक्वल टू सेवन लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हुआ तो क्या हम यही काम करते रहेंगे पचास हज़ार ऑब्जर्वेशन मिल गया तो क्या यही कटिंग वटिंग करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पाँच पाँच दिन में निकलेगा फिर तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दो आप मीडियन इज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन टर्म अप्लाई करके देखो तो जरा was... कितना मीडियन क्या आ गया में तो, तो तो क्या है ना कि एन प्लस वन बाई टूए टर्म आता है जो एन प्लस वन बाई टू को सॉल्व करके आ रहा है वो पोजीशन बता रहा है उस पोजीशन पे हम टर्म को ढूंढते हैं लेकिन ध्यान रहे कि टर्म्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है व्हेन एन इज इवन मान लो कि एन इवन में एक्स है टू थ्री सेवन नाइन टेन और नाइनटीन तो पूरा इसी में हो गया ऐसे करना पड़ेगा फाइव एंड uh, ले लो फोर तो आप पहले एक्स को अरेंज करोगे टू थ्री फोर फाइव सेवन और नाइन अब जब कटिंग करोगे तो फर्स्ट लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट थर्ड तो बच ही नहीं रहा और नहीं कटिंग कर रहे हैं तो दो दो टर्म बच रहे हैं अब करें तो क्या करें तो बच्चे इन इन्हीं का एवरेज निकाल दो यानी फोर प्लस फाइव बाई कितना आ गया फोर पॉइंट फाइव दिस इज आवर मीडियम वैल्यू ये था हमारा थर्ड पोजीशन ये था फोर्थ पोजीशन और एन कितना था सिक्स तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा एन बाई थर्ड मिल जाएगा और एक उसका आगे वाला भी ना एन बाई टू प्लस वन टर्म बाई टू यही हो गया फॉर्मूला कब जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे इवन होंगे तब मीडियन निकालने का तरीका तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना इंडिविजुअल में हम लोग लगाते हैं तो इंडिविजुअल में मीडियन निकालना आ गया तो किस में पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रीट में डिस्क्रीट में थोड़ा अलग सिस्टम है एक्स और एफ दोनों दिए होंगे हमें क्या दिए होंगे एक्स और एफ मान लो एक्स में है वन टू थ्री फोर एफ में है टू थ्री सेवन और फोर तो एक टर्म आपने सुना होगा सी एफ याद आ रहा है कुछ सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम टिल नाउ एक्यूमुलेशन से बना है क्यूमुलेटिव तो सम यानी अभी तक कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टू ऑब्जर्वेशन है अब अगला भी मिला लोगे तो टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव कुछ याद आ रहा है पहले वाले को कॉपी कर देते फिर इन दोनों का सम यहाँ लिख देते हैं फिर फाइव और सेवन का सम यहाँ लिख देते हैं ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर का सम लिख देते हैं सिक्सटीन समझ में आ रहा है सी एफ लिखने का तरीका जो भी आ रहा है उसमें नया फ्रिक्वेंसी ऐड करके लिखते जाओ ये सी एफ बताता है सी एफ का लास्ट वैल्यू बताता है एफ का लास्ट वैल्यू बताता है कि समेशन एफ कितना है समेशन एफ इज सिक्सटीन सी एफ का लास्ट वैल्यू बताता है कि समेशन एफ कितना होगा सिक्सटीन होगा अब ध्यान से सुनो तो मीडियन इज इक्वल टू ज्यादा हम लोग अब इतना नहीं सोचते कि ऑड आ रहा है इवन आ रहा है सीधा एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं ऑड इवन का बहुत चक्कर हो गया एक ही फॉर्मूला आप याद कर लो एन प्लस वन बाई टर्म मीडियम में ढूंढोगे एन प्लस वन बाई टर्म तो एन कितना है? 16 वन बाई टर्म। आ गया बताओ एट पॉइंट फाइव आ गया एट पॉइंट फिफ्थ का मतलब है बच्चे ध्यान से सुनना फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे तो वन वन फिर वन टू थ्री पोजिशन पे टू 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 फिर थ्री 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 कितने हो गए थ्री सेवन पोजिशन पे हमें चाहिए एट पॉइंट फिफ्थ पोजिशन तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ एट्थ पे ये है नाइन्थ पे ये है एट पॉइंट फिफ्थ का मतलब है एट्थ प्लस नाइन्थ बाई टू थ्री प्लस थ्री बाई टू डेट इज थ्री तो मीडियम आ गया यहाँ पर थ्री डिस्क्रीट में इतना नहीं सोचते कि ऑड है कि इवन है सीधा एन प्लस वन बाई टू वाला फॉर्मूला भी लग जाता है हर जगह तो यही फॉर्मूला बस आपको लगा देना है क्योंकि टर्म्स रिपीटेड होते हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ता तो ये आ गई हमारी मीडियन समझ में आया सबसे पहले आपको सी एफ निकालना है सी एफ निकालने के बाद मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है एन प्लस वन बाई टूएल्थ टर्म तो एन प्लस वन बाई ट हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उस पोजिशन को कहाँ ढूंढते हैं ध्यान से सुनो अब हर बार तो ऐसे लिख करके नहीं करेंगे ना अब हर बार के ऐसे बना करके करेंगे तो भी टाइम ज्यादा लग जाएगा एक तरीका है एथ पॉइंट फिफ्थ आपको ढूंढना है तो टू तक नहीं चाहिए फिफ्थ तक नहीं चाहिए अब फाइव से ट्वेल्थ के बीच में ही होगा सिक्स पोजिशन सेवेंथ पोजिशन एथ पोजिशन नाइन्थ पोजिशन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हर जगह पे यही थ्री नजर आ रहा होगा ये फाइव और ट्वेल्व के बीच का मतलब है सिक्स सेवेंथ एथ से लेकर के ट्वेल्थ तक सब जगह क्या है बताओ थ्री है तो एट पॉइंट फिफ्थ पोजिशन पे भी क्या मिलेगा हमें थ्री यानी रिसर्च रिस वैल्यू टी एफ वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन सी एफ वैल्यू जस्ट जस्ट ग्रेटर दैन जस्ट ग्रेटर दैन एट पॉइंट फिफ्थ टर्म अब एट पॉइंट फिफ्थ से बड़ा तो कोई है नहीं तो डेट इज सी एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व और उसके सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स है डेट इज आवर मीडियन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स इज द मीडियन वैल्यू ठीक है स्पॉन्डिंग एक्स इज द मीडियन वैल्यू ये हो गया हमारा मीडियन अभी डिस्क्रिक में हुआ अभी कॉन्टिन्यूस में करना बाकी है नेक्स्ट so, हेडिंग दें आप लोग कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में देखना कॉन्टिन्यूस में ना हमें एक क्लास गिवेन होगा और एफ गिवन होगा थोड़ा ध्यान से देखना जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी हम स्क्रीन नहीं दिख रही और भी किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है या सबको दिख रहा है देखो रिया को विजिबल है इसको नहीं दिख रहा एक मिनट गौरश अगर अभी भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप बच्चे रीज्वाइन कर सकते हो भविष्य को भी नहीं दिख रहा ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोग रीजन करो ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी अब देखना फ्रीक्वेंसी दे रखा है थ्री टू वन फाइव काम तो वही होगा सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालेंगे सी एफ निकालेंगे तो सी एफ में क्या आ जाएगा बताना बच्चे थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन सी एफ में आ जाएगा थ्री थ्री टू फाइव फाइव वन सिक्स सिक्स फाइव एवन सी एफ निकालने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात मीडियन वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एन बाई ट देखो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो एन प्लस वन करते हैं कॉन्टिन्यूस में एन प्लस वन नहीं करते आपको ये याद रखना पड़ेगा ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कॉन्टीन्यूस में सीधा एन बाई निकालते हैं तो ये जो इलेवन आया है एलेवन इज समिशन एफ यानी कि एन है इलेवन बाई ट्वेल्थ का मतलब हो गया इलेवन बाई ट का मतलब हो गया फाइव पॉइंट फाइव टर्म अब बताएं कि फाइव पॉइंट फिफ्थ कहां पर मिलेगा हमें फाइव पॉइंट फाइव कहां पर मिलेगा तो फाइव तक तो अब देखो फाइव पॉइंट फिफ्थ टर्म हमें ढूंढना है तो एक बात समझ लो कि फिफ्थ पोजीशन पे तो टेन और ट्वेंटी के बीच की कोई वैल्यू आ रही होगी लेकिन फाइव पॉइंट फाइव अब नेक्स्ट क्लास में लाई कर जाएगा कहाँ कर जाएगा नेक्स्ट क्लास में फाइव के बाद तो नेक्स्ट क्लास में इसमें आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में इसमें आ जाएगा तो ट्वेंटी टू थर्टी दिस इज आवर मीडियन क्लास यानी मीडियन वैल्यू के लिए पहले हम लोग मीडियम वैल्यू क्लास ढूंढते हैं तो डेट इज ट्वेंटी टू थर्टी एथ क्लास मिल गया हमें मीडियम क्लास अब इस ट्वेंटी टू थर्टी रेंज में कौन सी हमारी एग्जैक्ट मीडियम वैल्यू है यह हमें नहीं पता है अब उसको ढूंढ करके निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा ध्यान से देखना मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच एल क्या होती है तो एल इज दर वैल्यू ऑफ द मीडियम क्लास लोअर वैल्यू कितनी होगी बताओ ट्वेंटी मीडियम क्लास की लोअर वैल्यू देखनी है ट्वेंटी एन बाई टू तो हमने निकाला ही होगा फाइव पॉइंट फाइव सी एफ हमेशा एक प्रीवियस क्लास की देखते हैं दैट इज फाइव फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की देखते हैं उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है वन और एच उसी क्लास का हाइट देखते हैं सो गैप इज फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी दैट इज इज ट्वेंटी प्लस इन टू टेन कितना ट्वेंटी फाइव so, exactly ही आ गया मीडियन. अगर ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन होता तो वो भी इसी फॉर्मूले से आता तो so, यहां पर तो ट्वेंटी फाइव आ गया so, आप साइड में लिख सकते हो कि एल लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास कौन कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे है? आप लिख लो लोअर वैल्यू ऑफ़ मीडियन क्लास उसके बाद से है एन बाई टू एज समीशन एफ बाई टू फिर उसका से है सी एफ तो प्रीवियस क्लास का सी एफ प्रीवियस क्लास सी एफ एफ जो है सेम मीडियन क्लास का सेम मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी एच क्या है तो मीडियन क्लास की हाइट है मीडियन क्लास हाइट ठीक है तो ये हो गया मीडियन निकालने का तरीका इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे जब ये क्लास इक्वल नहीं होता टेन टेन 10, 10 को इक्वल करना होता है मतलब बहुत सारे टाइप के मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि असाइनमेंट में है आपके लिए तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में उन सब क्वेश्चन को नहीं करेंगे वो आपको असाइनमेंट में मिलेगा तो कॉन्सेप्ट में बेसिक आइडियाज आपको हो गया कि मीडियन इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं और कॉन्टिन्यूस में कैसे निकालते हैं यार बच्चे तो अब आप हेडिंग देना Uh, ये रूल होता है कि कॉन्टीन्यूस में ना बहुत सारे डेटा आस पास के होते हैं तो वहाँ प्लस वन करने की ज़रूरत नहीं होती इंडिविजुअल में हम लोग प्लस वन करते हैं डिस्क्रीट में भी चलो कर देते हैं लेकिन कॉन्टीन्यूस में नहीं करते ये रूल है आपको याद रखना पड़ेगा ठीक okay? है अब यहाँ ध्यान दो लिखना हेडिंग सम मोर पोजिशन वैल्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम मोर more... ये चैप्टर थ्री में भी यूज होगा चैप्टर फोर में भी यूज़ होगा चैप्टर फाइव में भी यूज़ होगा हो तो ध्यान से मोर पोजिशं वैल्यूज देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है मान लो एक स्टिक है आपके पास इसको चार इक्वल पार्ट में तोड़ना है ब्रेक करना है आप कितने जगह से तोड़ोगे तो पहले स्टिक को बिल्कुल मिडिल से तोड़ेंगे फिर जो दो पार्ट आएगा उसको भी हाफ हाफ कर देंगे तो आपने तीन जगह पे कट लगाया और आपको चार पार्ट्स मिल गए इक्वल लेंथ के तो पहला कट जो सबसे क्लोज होगा असेंडिंग ऑर्डर में क्यू वन फिर क्यू टू और फिर क्यू थ्री लेकिन क्यू टू से पहले मीडियन पढ़ चुके हैं इसलिए बीच में मीडियन तो क्वार्टाइल हमें दो ही पढ़ने हैं देर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक क्यू टू उसके लिए हम लोग मीडियन पढ़ते हैं क्यू वन तक कितना डेटा कवर अप होगा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट 25% फाइव परसेंट डेटा यहाँ तक कवर अप हो रहा होगा और क्यू थ्री तक सेवेंटी फाइव परसेंट क्यू वन को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं और क्यू थ्री को बोलते हैं अपर अपर क्वार्टाइल ठीक है Q1 हो गया लोअर क्वार्टाइल Q3 हो गया अपर क्वार्टाइल क्वार्टाइल के बारे में इतना नॉलेज काफ़ी है निकालेंगे कैसे ये देखेंगे अभी लेकिन इंट्रोडक्शन तो इतना हो गया नेक्स्ट साइल्स हाँ क्यू टू मीडियन ही है साइल्स में देखो साइल्स में किसी डेटा को टेन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर से लेकर के लास्ट वाला आ जाएगा डी नाइन डी वन डी टू डी थ्री तो डी वन तो तक कितना हो गया टेन परसेंट D2 तक कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट लाइक दिस वे सेल्स के बाद से आएगा परसेंटाइल्स परसेंटाइल्स कितने होंगे बच्चे बताना नाइन्टी नाइन तक जाएंगे लास्ट वाला होगा हंड्रेड यानी पी वन पी टू से लेकर के पी नाइन्टी नाइन तक तो आप समझ चुके हैं कि पी वन तक वन परसेंट डेटा वन तक वन परसेंट डेटा पी टू तक टू परसेंट डेटा लाइक दिस वे जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे परसेंटाइज में आ रहे होंगे वेट yeah? करो बच्चा वेट करो अब कैलकुलेशन देखेंगे कि इन सबको निकाला कैसे जाएगा इंडिविजुअल में डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में तो आप इस तरीके से अपने पेज को जो भी नोटबुक का पेज होगा उसको डिवाइड करना है थ्री वर्टिकल सेक्शन में और वन थर्ड और उधर टू थर्ड छोड़ देना है जगह इधर लिखना है इंडिविजुअल डिस्क्रीट दोनों के लिए सेम मेथड लगेगा इधर हेडिंग दे, दे देना है कॉन्टिन्यूस जैसे हमने मीडियम के लिए निकालना सीखा था वैसे ही क्वार्टर डेल्स परसेंटेज सबके लिए निकलेगा मीडियन के लिए क्या करते थे याद है किसी को मीडियन के लिए मैंने कहा था कि आप एक ही जनरल फॉर्मूला लगा लेना एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म दैट्स इट इंडिविजुअल या डिस्क्रीट में एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म कॉन्टिन्यूस में पहले मीडियन क्लास ढूंढेंगे जो कि आएगा एन बाई टू एथ क्लास जब क्लास आ जाएगा तो मीडियन वैल्यू के लिए लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास प्लस एन बाई माइनस सी By F into H. अगर मीडियन का तरीका समझ में आ गया है क्वार्टाइल का भी लिख लोगे अब आप. ध्यान से सुनना मेरी बात मीडियन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था क्वार्टाइल जो है वो चार पार्ट में डिवाइड करता है तो Q1 जो है वो हो जाएगा n प्लस वन बाई जहां जहां टू है वहां वहां फोर आ जाएगा जहां जहां टू है वहां वहां क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा एन प्लस वन बाई फोर्थ टर्म फिर क्यू वन क्लास ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा एन बाई फोर्थ क्लास जैसे क्यू वन की वैल्यू निकालेंगे तो एल प्लस एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इंटू एच तरीके से जब Q3 निकालेंगे तो Q3 हो जाएगा थ्री इंटू एन प्लस कॉन्टिन्यूस में पहले Q3 क्लास निकालेंगे क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर पहले फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख लो थ्री एन बाई फोर्थ क्लास ढूंढेंगे देखो पोजीशन वाइज जो Q1 का पोजीशन होगा उसी का थ्री टाइम्स पोजीशन किसका होगा Q3 का होगा इसलिए Q3 में हर जगह हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं थ्री थ्री तो फिर Q3 का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा L प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच क्यू वन क्यू थ्री हो गया तो अब डिसाइल का भी आप देख सकते हो डी वन पोजीशन वाइज ध्यान से देखो जितना Q1 का पोजीशन होगा उसका थ्री टाइम्स होगा Q3 का पोजीशन, Q3. मान लो ये ट्वेंटी फिफ्थ पोजिशन पे है तो ये सेवेंटी फिफ्थ पोजिशन पे होगा Q3 का डेटा समझ में आ रहा है अब देखो डेसाइल्स डेसाइल्स पे चलते हैं अगर d1 की बात करें तो n प्लस वन बाई टेन क्योंकि डिसाइल टेन पार्ट में डिवाइड करता है फिर यहाँ पर d1 वन क्लास ढूँढेंगे d1 वन क्लास कितना हो जाएगा तो n बाई टेंथ क्लास फिर जब क्लास मिल जाएगा तो d1 की वैल्यू आ जाएगी l प्लस एन बाई टेंथ क्लास माइनस उसके पहले वाले क्लास का cf एफ अपॉन एफ इन एच अब डी में तो बहुत सारे होंगे डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सेवन मतलब डी नाइन तक होंगे कोई एक और बोलो जो निकालना है मान लो डी सेवन निकालना चाहते हो सेवन टाइम्स हो जाएगा एन प्लस वन बाई टेंथ का सेवन टाइम्स हो जाएगा तो डी सेवन क्लास पहले निकालेंगे सेवन एन बाई टेंथ क्लास ढूंढेंगे। जैसे डी सेवन हो जाएगा एल प्लस सेवन एन बाई टेन माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच अब मुझे लग रहा है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा परसेंटाइल का ट्राई करोगे फॉर्मूला परसेंटाइल में भी बहुत सारे होंगे पी वन से लेकर के पी नाइन्टी नाइन तक कोई भी एक जैसे पी एटी थ्री बोल दिया मैंने तो एटी थ्री इंटू एन प्लस वन बाई क्या करेंगे हंड्रेड और सॉल्व करके जो पोजीशन आएगा उस पर टर्म ढूंढेंगे यहाँ पर निकलेगा पी एटी थ्री क्लास पहले निकलेगा एटी थ्री एन बाई हंड्रेड क्लास उसके बाद से पी एटी थ्री की वैल्यू निकलेगी एल प्लस एटी थ्री एन बाई हंड्रेड माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इंटू एच ये हो गया फॉर्मूला लॉजिकली डिसाइड करना कि कैसे निकलेंगे पोजिशन वैल्यूज कैसे निकलेंगे पोजिशन वैल्यूज तो अब क्वार्टाइल परसेंटाइल्स को निकालना हम लोग स्टार्ट करते हैं किसमें तीनों टाइप की सीरीज में इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में करें स्टार्ट एक क्वेश्चन बना लेते हैं इंडिविजुअल का देखते हैं मान लो मैंने एक्स में दे दिया टू थ्री ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन आपको निकालना है क्यू वन क्यू थ्री और डी सिक्स टी ट्वेंटी नाइन चार चीज़ें निकालनी है अब कैसे निकलेगा तो ध्यान से देखो सबसे पहले इसका एन देखेंगे एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है है जो हो जाता है, वो हो जाता है एन प्लस ढूंढेंगे बाई फोर्थ टर्म, so, टर्म कितना हो जाएगा ये सेवन बाई फोर वन पॉइंट सेवन फिफ्थ टर्म अब देखो और इसको हमने असेंडिंग में नहीं किया है ना तो ये है ही ऑलरेडी असेंडिंग में ठीक है अब वन पॉइंट टर्म कैसे ढूंढें इसके लिए एक फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है कि वन पॉइंट टर्म अगर आपको ढूंढना है इंटीग्रल पार्ट इज वन एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉइंट सेवन फाइव तो इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट टर्म ढूंढ करके पॉइंट सेवन फाइव फ्रैक्शनल पार्ट इंटू नेक्स्ट टर्म जो इंटीग्रल था उसके आगे वाला टर्म फर्स्ट का नेक्स्ट क्या होगा सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म अभी समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है टू है टू प्लस पॉइंट सेवन फाइव इंटू नेक्स्ट टर्म क्या है थ्री और थ्री माइनस टू आ गया टू पॉइंट सेवन फाइव तो so, टर्म ही निकल करके आ गया 2.75. पॉइंट सेवन फाइव क्यू थ्री निकाले क्यू थ्री निकालेंगे थ्री एन प्लस टर्म थ्री इंटू सिक्स प्लस वन बाई फोर्थ टर्म थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव पॉइंट टू फिफ्थ कम फिर से वही चीज फाइव पॉइंट टू फिफ्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा यस सैनी बड़ी जल्दी बताओ फॉमूला क्या तैयार होगा इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है वाओ wow. मतलब पॉइंट टू फाइव इंटीग्रल पार्ट है इतना पढ़ाने के बाद भी यही बात पहुंच गए कॉलेज में और अभी तक फाइव है पॉइंट टू फाइव हाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट माइनस वही वाला टर्म तो फाइव के आगे कौन सा आता है सिक्स्थ पोजीशन तो फिफ्थ टर्म पे देखो ना फिफ्थ पे कौन सा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिफ्थ इज ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सेवन इनको यूज करेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव इंटू थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई इलेवन ठीक है एवन या ट्वेल्व तो ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा ट्वेंटी एट ये आ गया क्यू थ्री तो अब जरा डिसाइल और परसेंटाइल आप लोग खुद से निकाले तो डी सिक्स और पी ट्वेंटी नाइन डी सिक्स निकालना है और पी ट्वेंटी नाइन निकालना है जल्दी निकालो तो दो मिनट का समय आप लोगों को दे रहे हैं देखो D6 जो है 17 आया है काफी सारे बच्चों का तो देखते हैं D6 के लिए आप निकालोगे बच्चे पोजीशन कौन सा बड़ा हो रहा है हाँ D6 के लिए निकालोगे सिक्स n एन प्लस वन बाई टेंथ टर्म दिस विल बी सिक्स इंटू एन प्लस वन एन एन कितना है यहाँ पर सिक्स प्लस वन सिक्स प्लस वन बाई टेंथ टर्म तो आ गया सिक्स सेवन सिक्स जब फोर्टी टू बाई टेंथ यानी कि फोर पॉइंट टूएथ टर्म चाहिए फोर पॉइंट टूए टर्म के लिए फोर्थ टर्म प्लस पॉइंट टू इंटू फिफ्थ माइनस फोर्थ फोर्थ टर्म क्या है बताना ज़रा टू थ्री फोर फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टीन प्लस 25 फाइव माइनस फिफ्टीन दिस विल बी 15 प्लस पॉइंट टू और यहाँ पे 10 बज गया uh, तो 15 प्लस टू ठीक है बच्चे 17, जिनका जिनका आया है बिल्कुल सही है आप लोग सीख चुके हो कि कैसे निकालना है अब पी ट्वेंटी भी चलो जल्दी निकाल लेते पी ट्वेंटी का जब निकालेंगे तो निकलेगा पहले पोजीशन, तो 29 नाइन इंटू एन प्लस वन बाई हंड्रेड पोजिशन ये आ जाएगा 29 नाइन इंटू सेवन बाई कितना हो ट्वेंटी ट्वेंटी पोजिशन चाहिए हमें यह आ जाएगा पी ट्वेंटी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस पॉइंट जीरो थ्री इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वॉट इज सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म इज थ्री थर्ड टर्म इज ट्वेल्व तो थ्री और ट्वेल्व को यूज़ करेंगे बच्चे तो थ्री प्लस पॉइंट जीरो थ्री ट्वेल्व माइनस थ्री तो दिस इज थ्री यहाँ पे बाउंड्री बना लो दोनों अलग अलग हैं थ्री प्लस पॉइंट जीरो थ्री टू नाइन नाइन थ्री कितना हो जाता है पॉइंट टू सेवन तो दिस इज थ्री पॉइंट टू सेवन इंडिविजुअल में तो निकालना आ गया ना इंडिविजुअल में यही फ्रैक्शनल वाला पार्ट करके हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शनल वाला पार्ट करके निकालते हैं हम लोग और डिस्क्रीट में थोड़ा अलग है सी एफ है तो उसमें सी एफ में सर्च करेंगे कॉन्टिन्यूस में तो मीडियम जैसा है अलग है इन सब के लिए ना थोड़ा अच्छे से फ्रेश माइंड और टाइम चाहिए आज के क्लास में करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा और हो सकता है कि समझ में भी ना आए इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लास थर्ड में चैप्टर वन में क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस का पहले क्वेश्चन करेंगे फिर मोड करेंगे और तीनों में रिलेशनशिप देखेंगे ठीक है तीनों में रिलेशनशिप देखेंगे ग्राफ तो है नहीं आपके कोर्स में इसलिए ग्राफ हम लोग नहीं करेंगे थोड़ा बहुत बस प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे कि मी मिनियन मोड का क्या प्रॉपर्टी होता है लाइट ग्राफ पढ़ लेंगे वो लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव वाला नहीं पढ़ना है हमें तो इतना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और टाइम बचेगा तो फिर आगे भी डिस्पर्शन का स्टार्ट कर लेंगे नहीं तो यहीं तक हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में फिर सेकेंड टॉपिक हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे चलेंगे ठीक है बच्चे तो आज के लिए इतना ही लेकिन आप लोग रुकोगे मुझे कुछ बताना है आप लोगों को मंडे की क्लास के बारे में तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय 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 बाय